हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो डायनामिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज़ के आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ये देखेंगे मोशन रिलेटिव टू सेंटर ऑफ इनर्शिया का स्केलर फॉर्म देखेंगे। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि कल का जो वीडियो लेक्चर था उसमें मैंने जो है मोशन रिलेटिव टू सेंटर ऑफ इनर्शिया का जो है वेक्टर फॉर्म को डिस्कशन किया था, और वहाँ पर मैंने आप लोगों को ए टू जेड हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से डिफाइन करके बताया था कि मोशन रिलेटिव टू सेंटर ऑफ इनर्शिया होता क्या है। ठीक है, तो मैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले जो है आप लोग वो वाला वीडियो देख ले, क्योंकि उसको आप देखेंगे, उसका कॉन्सेप्ट आप क्लियर करेंगे, वहां पर वेक्टर इक्वेशन आपका क्या आया था अगर वो जान पाएंगे तभी जा करके आप इस स्केलर इक्वेशन को समझ पाएंगे। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम एक मोशन रिलेटिव टू सेंटर ऑफ इनर्शिया का स्केलर इक्वेशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए, स्केलर फॉर्म के लिए जो है आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ कोऑर्डिनेट्स के बारे में हमें जानकारी होना जरूरी है। और देखिए कैसे, लेट x बार y बार z बार बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी इफ वी हैव x डैश y डैश z डैश कोऑर्डिनेट्स ऑफ पार्टिकल m विद रिगार्ड टू g देन। देखिए यहां पर हुआ क्या है, ये चीज आप लोग जो है समझ जाएंगे अच्छे से अगर आप कल का वीडियो लेक्चर देखेंगे, क्योंकि कल का जो वीडियो लेक्चर मैंने जहां पर एंड किया था इस वेक्टर फॉर्म का जो इक्वेशन हमारा आया था वहां से मैंने एंड किया था, और उसके जस्ट बाद से ही जो है हम स्केलर फॉर्म को भी कर सकते थे, बट मैंने वहां पर आप लोगों को नहीं बताया क्योंकि वीडियो लेक्चर लेंथी हो रहा था, तो इसी वजह से मैंने आप लोगों को बताया नहीं था। और वहां पर मैंने एक जो है डायग्राम आप लोगों के साथ डिस्कशन किया था एक रिजिड बॉडी का, जैसा ये है, एक रिजिड बॉडी है हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये जो है वाई एक्सिस था, और इसको हमने जेड एक्सिस लेट किया था। रिजिड बॉडी को थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, ये हमारा इसका सेंटर ऑफ इनर्शिया है जी, जो कि हमने कल भी देखा था, और एक पार्टिकल हमने यहां पर देखा था जिसका सेंटर ऑफ इनर्शिया यहां से, सॉरी यहां पर जो है एक पार्टिकल पी देखा था जिसका मास एम था, और इस पूरे का जो मास था वो कैपिटल एम था, पूरे जो रिजिड बॉडी है। ठीक है, तो यहां से यहां तक के लिए जो हमने वैक्टर देखा था, है ना, कौन सा वैक्टर, जो इसका पोजिशन वैक्टर बताता है इस ओरिजिन से लेकर के सेंटर ऑफ इनर्शिया तक, वो हम लोगों ने देखा था कि वो आर बार था। ठीक है, और इसका इसके लिए जो ये पार्टिकल पी, एक पार्टिकल पी है, क्योंकि रिजिड बॉडी में इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, और बहुत सारे पार्टिकल में से सिर्फ एक पार्टिकल का अगर मैं बात करूं, तो एक पार्टिकल की मैं बात करूं तो उसको आर से डिनोट कर सकते थे, जो कि इसका डायरेक्शन ऐसा था। और यहां से यहां तक इस पी पार्टिकल के लिए, देखिए जी के रिस्पेक्ट में पी पार्टिकल का जो पोजिशन वैक्टर था वो हमने आर डैश लेट किया था। लेकिन बात यहां पर खत्म नहीं होती, अगर मैं ऐसा ही एक सिमिलर एक्सिस अगर इसके लिए मैं यहां पर डिनोट कर दूं, देखिए ये ऐसे इस टाइप से, तो भी तो जाकर के आपका एक जो है एक्सिस बन रहा है ना, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश मान लीजिए, इसको वाई, इसको जो है आप जेड डैश मान लीजिए, इसको जो है आप वाई डैश मान सकते, तो ये भी आपका एक एक्सिस बन रहा है, और इसी एक्सिस के अकॉर्डिंग ही हम जो है इसके लिए, इस आर बार के लिए हम एक्स बार वाई बार और जेड बार करेंगे, और ये जो हमारे पास आया है आर डैश, क्योंकि इस पार्टिकल पी का इस जी के रिस्पेक्ट में अगर पोजीशन वेक्टर की मैं बात करूं तो यहां पर आर डैश आ रहा था, वो हमने देखा है, तो उसके लिए हमने जो कोऑर्डिनेट हम मानेंगे वो मानेंगे एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश। तो ये कुछ हमारे जो है बेसिक हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए आर जो वैक्टर था हमारा इस पार्टिकल पी के लिए जी के रिस्पेक्ट में जो पोजीशन वेक्टर था वो आर डैश था, वो आर डैश को हम कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये आर डैश के लिए कोऑर्डिनेट हमने मान रखा है, तो एक्स आई प्लस वाई जे जेड जेड के, और यहां पर डैश है तो हम डैश भी साथ में लगाते रहेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, डबल डिफरेंशिएट कर देंगे इसको, दो बार डिफरेंशिएट कर देंगे, डी टू आर डैश ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू डी टू एक्स डैश अपॉन डी टी स्क्वायर आई प्लस डी टू वाई डैश अपॉन डी टी स्क्वायर जे, आई जे के ये जो है हम वैक्टर के लिए यूज करते हैं। ठीक है, ये जो है वेक्टर के लिए यूज करते हैं, आई जो है एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स डायरेक्शन को बताता है, उसके बाद जो जे है वो वाई को बताता है, के जो है वो जेड को बताता है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे, आप लोगों को पता होगा ये सब। अब देखिए फ्रॉम वेक्टर इक्वेशन वी हैव, हमारे पास वेक्टर इक्वेशन भी है हमने जो कर रखा है पिछले वीडियो में, तो वहां से हमने ये देखा था समेशन ऑफ एम आर डैश क्रॉस डी टू आर डैश ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन आर डैश क्रॉस पी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, देखिए आर डैश है, आर डैश का वैल्यू हमारे पास क्या है, ये है, तो हमने यहां पर रख दिया है। उसके बाद हमारे पास ये जो डी टू आर डैश ओवर डी टी स्क्वायर है उसका वैल्यू क्या है, ये है, तो हमने यहां पर रख दिया है इज इक्वल टू समेशन, देखिए यहां पर हमारे पास क्या है आर डैश है, तो आर डैश का वैल्यू हमने यहां पर रख दिया है क्रॉस,
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, पी है। अब देखिए पी जो है आपका एक फोर्स है, कैसा फोर्स है, जो कि हम लोगों ने एक एक्सटर्नल फोर्स देखा था जब मैंने आप लोगों को डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल बताया था, तो उस कंडीशन में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कशन किया था कि एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है और उसको हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं। आप लोगों को अगर नहीं पता है तो डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल का जो वीडियो लेक्चर है उसको भी आप लोग देख ले तो क्लियर हो जाएगा कि ये जो पी आ रहा है वो एक्चुअल में आ कहाँ से रहा है ना, एक्चुअल में कहाँ से आ रही है, एक एक्सटर्नल फोर्स है। तो देखिए फोर्स भी हमारा एक वेक्टर होता है, और अगर मैं फोर्स को भी एक्स और वाई जेड, एक्स वाई जेड और इस ऐसे जो है कोऑर्डिनेट में मैं अगर डिवाइड करूँ तो उसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए एक्स आई कैपिटल एक्स आई कैपिटल वाई जे प्लस कैपिटल जेड के फॉर्म में मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि फोर्स भी हमारा एक वैक्टर है। अब यहाँ पर बात आती है कि इसको सॉल्व आउट कैसे करें, क्योंकि हमें एक पर्टिकुलर इक्वेशन चाहिए, है ना। जैसे हम लोगों ने वेक्टर का इक्वेशन देखा था पर्टिकुलर, वैसा ही हमें स्केलर भी इक्वेशन चाहिए। ये कोई प्रॉपर इक्वेशन है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, देखिए ये वेक्टर मल्टीप्लिकेशन है और यहाँ पर भी इन दोनों के बीच में वेक्टर मल्टीप्लिकेशन है, तो दो वेक्टरों का जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है उसको हम कैसे करते हैं वो चीज़ आप लोगों को होप कि पता है। चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कैसे इसको हम सॉल्व आउट कर सकते हैं। देखिए यहाँ तक हमारे पास आ चुका है ना। अब इसके बाद मैं आप लोगों को यहाँ पर सिर्फ रफली एक सॉल्यूशन बताऊंगा, उसके बाद प्रॉपर वे में आप लोगों को सॉल्व करके बताऊंगा इसको सॉल्व आउट कैसे करना है। देखिए ये जो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है, तो इन दोनों वेक्टर का क्रॉस मल्टीप्लाई हम कैसे कर सकते हैं आप लोगों को पता होगा, आई जे और इसके ऐसे हम रखते हैं, उसके बाद जो है यहाँ पर आई के लिए क्या है एक्स डैश, जे के लिए क्या है वाई डैश, के लिए जेड डैश, फिर आई के लिए क्या है डी टू एक्स डैश अपॉन डी टी स्क्वायर, डी टू वाई डैश अपॉन डी टी स्क्वायर और फिर डी टू जेड डैश अपॉन डी टी स्क्वायर। इसको आप लोगों को इस वे में रखना होगा। सिमिलरली इसको भी आप वैसे ही करेंगे, करके देखिएगा तो आ जाएगा, ठीक है। मैं एक ही बता दे रहा हूँ कैसे करना है। आई के लिए जब सॉल्व आउट करेंगे, आई के लिए जब सॉल्व आउट करेंगे देखिए क्या जाएगा, ये चीज़ हाइड हो जाएगा, है ना, ये वाला कॉलम और ये वाला जो है रो आपका हाइड हो जाएगा, बचेगा जो देखिए क्या वाई डैश इंटू यहाँ पर आ जाएगा हमारा डी टू जेड डैश अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस, क्योंकि ये हाइड हो रहा है ये हाइड हो रहा है, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा जेड डैश इंटू डी टू वाई डैश अपॉन डी टी स्क्वायर, फिर जे के लिए हम माइनस यूज करते हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा ये हाइड होगा और ये वाला हाइड हो जाएगा, बचेगा जो हमारे पास उसका मल्टीप्लाई करेंगे देखिए एक्स डैश इंटू डी टू जेड डैश अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस इसका इसका मल्टीप्लाई हो गया, अब इसका इसके साथ जेड डैश डी टू एक्स डैश अपॉन डी टी स्क्वायर ये आ गया, प्लस फिर के लिए हम करेंगे तो के देखिए ये हाइड हो जाएगा पूरा, ये हाइड हो जाएगा, बचेगा हमारे पास ये दोनों, इसका हम क्या करेंगे देखिए एक्स डैश इंटू डी टू वाई डैश अपॉन डी टी स्क्वायर, फिर माइनस होता है इसका इसके साथ करेंगे तो वाई डैश इंटू डी टू एक्स डैश अपॉन डी टी का स्क्वायर। ये मल्टीप्लीकेशन होप के आप लोगों को करना आता है, कैसे हमने सॉल्व आउट किया है। सिमिलरली आप इस साइड को भी ऐसे सॉल्व आउट करेंगे, देखिए इसको कैसे सॉल्व आउट करेंगे अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आई जे के यहाँ पर रखना है, फिर आई एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, फिर कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड, समझ में। फिर यहाँ से आई हो जाएगा हमारे पास वाई डैश, तो ये आ जाएगा। फिर इन दोनों को हम इक्वेट करके यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ, इसको मैं अभी रफ कर देता हूँ। सो देखिए यहाँ पर हमने इसको सॉल्यूशन कर लिया है, जो हमने मल्टीप्लाई किया था जो आया था उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर रख दिया है। देखिए इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया था तो ये चीज़ आया था हमारा, ठीक ये चीज़ आया था, फिर इसको जब मल्टीप्लाई किया था तो ये आया था हमारा, तो हमने इसको एज इट इज़ यहाँ पर रख दिया है, इसके प्लेस पर ये रख दिया है, फिर इसको मल्टीप्लाई करके ये रख दिया है। यहाँ पर थोड़ा सा फ़र्क क्या है, हमने यहाँ पर माइनस रखा था, कुछ नहीं है, हमने सिर्फ माइनस को कॉमन लिया अंदर से, ठीक, और इधर जो है जो माइनस का था वो प्लस हो गया और जो प्लस का था वो माइनस हो गया, बाकी बाहर हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सिमिलरली इधर भी हम वैसे ही करेंगे। अब इसको जब आप लोग सॉल्व आउट करेंगे अच्छे से तो यही चीज़ आपको मिलेगा, करके आप लोग देख लीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ आई जे के, देखिए इधर भी आई है जे के, इधर भी आई जे के और दोनों बराबर में है, तो हम क्या करेंगे इक्वेट कर सकते हैं। इधर आई का जो कोएफिशिएंट है इधर का आई के कोफिशियंट के बराबर हो जाएगा, इधर जे का कोफिशियंट इधर जे के कोफिशियंट के बराबर हो जाएगा, इधर के का कोफिशियंट इधर के का कोफिशियंट के बराबर हो जाएगा। तो सिमिलरली मैंने यहाँ पर वही कर लिया है, समेशन ऑफ एम आई का कोफिशियंट इधर का आई का कोफिशियंट दोनों आपस में इक्वल हो गए, ठीक है, दोनों आपस में इक्वल हो गए।
एक इक्वेशन हमें ये मिल गया, फिर जे का कोफिशियंट जे के कोफिशियंट के जब कंपेयर करेंगे तो हमें ये चीज मिल जाएगा। सिमिलरली के का कोफिशियंट के साथ कंपेयर करेंगे तो ये चीज मिल जाएगा। तो होप कि आप लोगों को जो ये कॉन्सेप्ट है, ये जो इक्वेशन है स्केलर इक्वेशन, वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है। अगर कहीं पर डाउट है तो मुझे आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आप लोगों को प्रॉपर वे में हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर कर लें एंड नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।